भारतीय सेना के पराक्रमी और अनुभवी जनरल मनोज पांडे ने शनिवार को देश के 29वें नए सेना प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया है। जनरल मनोज पांडे ने MM नरवणे की जगह ली है। आपको बता दें, उपथल सेना प्रमुख के तौर पर सेवाएं दे चुके जनरल मनोज पांडे कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहेंगे। 1 फरवरी को थल सेना का उप प्रमुख बनने से पहले वो थल सेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व कर रहे थे। इस कमान पर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा की रक्षा की जिम्मेदारी है। भारतीय सेना में ऐसा पहली बार हो रहा है जब सेना के इंजीनियर कोर के किसी अधिकारी को थल सेना की कमान सौंपी जा रही हो। इससे पहले 28 बार तक पैदल सेना, तोपखाना और बख्तरबंद रेजिमेंट के अधिकारी ही भारतीय थल सेना के प्रमुख बनते रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अभी थल सेना के उप प्रमुख हैं। आपको बता दें, 18 अप्रैल को उनके सेना प्रमुख बनाए जाने का ऐलान किया गया था। जनरल मनोज पांडे ने ऐसे समय में थल सेना की कमान संभाली है जब भारत, चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर चुनौती सहित असंख्य सुरक्षा चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। सेना प्रमुख के रूप में उन्हें थिएटर कमांड को तैयार करने की सरकार की योजना पर नौसेना और वायुसेना के साथ समन्वय करना होगा। भारत के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत थिएटर कमांड तैयार करने पर काम कर रहे थे, लेकिन पिछले साल दिसंबर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हो गया। सरकार ने अभी नया प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अपने करियर के दौरान अंडमान निकोबार कमान के प्रमुख के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। अंडमान निकोबार कमान भारत में तीनों सेनाओं की एकमात्र कमान है। मनोज पांडे राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी के पूर्व छात्र हैं और उन्हें दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया गया था। आपको बता दें कि मनोज कुमार पांडे अपने पूरे करियर के दौरान कई अहम पदों पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। वो कई इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी हिस्सा ले चुके हैं। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान नियंत्रण रेखा के पास एक इंजीनियर रेजिमेंट की कमान संभालने का अनुभव है। इसके साथ ही वो पश्चिमी लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में भी एक पर्वतीय डिवीजन और पूर्वोत्तर में एक कोर की भी कमान संभाल चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।